नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम आपको आधार कार्ड से जुड़ी एक ऐसे नए सर्विस के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको जानना आपको बेहद ज़रूरी है। साथ ही साथ ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस देखने के बाद आप इस सर्विस का अप्लाई कर दीजिएगा। आप अपने से भी खुद से भी ऑनलाइन कर सकते हैं, पूरा कंप्लीट प्रोसेस देख लीजिएगा। ये काफ़ी ही इम्पोर्टेंट सर्विस नया जो है आधार कार्ड में आया है जिसे आपको यूज करना बेहद ज़रूरी है। तो पूरा कंप्लीट वीडियो लास्ट तक देखिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आप अपने से खुद से इस सर्विस का अप्लाई कर दीजिएगा जिससे आपको काफ़ी फायदा होने वाला है। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। साथ ही साथ आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो लास्ट तक देखने के बाद आपको यदि पसंद आ जाए तो अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहले आप अपने मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप कंप्यूटर में किसी में भी अगर आप इसे देख रहे हैं तो आप अपने ब्राउज़र को ओपन कर लीजिएगा। ब्राउज़र ओपन करने के बाद हम यहाँ पे आपको आधार कार्ड से जुड़े यहाँ पे जानकारी देने वाले हैं। तो यहाँ पे uidai.gov.in 100% ये सही नीज है, किसी तरह का फेक नहीं। आपको यहाँ पे uidai पे आपको यहाँ पे टिक लगा देना है। साथ ही साथ यदि आपको यहाँ पे इंग्लिश में किसी तरह का प्रॉब्लम हो रहा है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो सबसे लास्ट में इस ऑप्शन पे ए और दिया हुआ है, इस ऑप्शन पे आपको टिक कर देना है। इस ऑप्शन पे जैसे टिक कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए ढेर सारा आपको लैंग्वेज दिख जाएगा, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, उर्दू। लास्ट में उर्दू दिया हुआ, उर्दू अगर चेक करना चाहते तो उर्दू पर टिक लगा दीजिएगा। आपका जो भी वेबसाइट है वो बिल्कुल उसी लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगा। यदि हम यहाँ पे हिंदी करके देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए बिल्कुल सारा जो पूरा का पूरा आपको यहाँ पे हिंदी हो गया है। उसके बाद यदि आप यहाँ पे थ्री डॉट पे जाइएगा, थ्री डॉट पे यहाँ पे आने के बाद आपको डेस्कटॉप साइट में कर लेना है। ऐसे आपका जो है जो भी आप वर्क कीजिएगा बिल्कुल सही तरीके से काम करेगा। उसके साथ ही साथ यहाँ पे आपको क्या करना है, ऑर्डर आधार PVC कार्ड, इस ऑप्शन पे आपको चले जाना है। इस ऑप्शन पे जैसे आप जाइएगा तो आपको यहाँ पे इस तरह का कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसमें आपको जो है अपना आधार नंबर जो है वो आपको टाइप कर देना है। ये नंबर जैसे आप यहाँ पे टाइप कीजिएगा, यहाँ पे देखिए इस तरह से आपको नंबर अपना टाइप कर लेना है। इस तरह से नंबर टाइप कर लीजिएगा जो भी आपका है। और आधार नंबर यदि आपके पास होगा तो आधार नंबर से आप कर सकते हैं। साथ ही साथ वर्चुअल आईडी से भी आप इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। और साथ ही साथ वर्चुअल आईडी जो है आधार कार्ड के ही नीचे में, यदि आप नया में अभी हाल फिलहाल में आधार कार्ड अपना जो है डाउनलोड किए होइएगा तो आपको वहाँ पे आधार कार्ड के नीचे में वर्चुअल आईडी दिख जाएगा, आप वो नंबर भी टाइप कर सकते हैं। हम जो अभी आपको बताने जा रहे हैं यहाँ पे जो नंबर टाइप किए हैं आप, इससे आपको क्या फ़ायदा होने वाला है, आपको आपका जो आधार कार्ड अभी तक जो आप नॉर्मल आधार कार्ड यूज कर रहे हैं प्लास्टिक अलग से लगवा करके, तो वो कभी ना कभी क्या होता है कि बहुत जल्दी आपका प्लास्टिक ख़राब हो जाता है। ओरिजिनल आधार कार्ड जो है कभी भी स्कैन वगैरह किया जाता है तो वो सही तरीके से काम नहीं किया करता है। तो ऐसे में यदि आप PVC कार्ड बनवा लेते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है, कहीं पर भी ईजिली स्कैन हो जाएगा। किसी भी तरीके का आप यदि काम कर रहे हो तो उसमें ये आपका बहुत जल्दी से काम कर जाएगा, ये काफ़ी सिक्योर होगा। और यहाँ पे क्यूआर कोड जो है लगा होगा, होलोग्राम भी लगा होगा क्योंकि डायरेक्टली UID की तरफ से प्रिंट किया गया PVC कार्ड होगा। और अगर आप मार्केट से कहीं पे भी करवाते हैं तो वो क्या होता है, वो अगर PVC कार्ड आप कहीं पे भी दीजिएगा तो वो वैलिड नहीं होता क्योंकि उस पर होलोग्राम नहीं रहता है और यहाँ पे जो है उसका प्रिंट भी सही तरीके से नहीं आता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि अगर आप नॉर्मल तरीके से आधार कार्ड डाउनलोड करते हैं तो बगैर मोबाइल नंबर के आप आधार जो है आपका उसको आप डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस प्रोसेस के थ्रू से आपके पास में यदि मोबाइल नंबर नहीं भी होगा, जो नंबर आप दिए थे एनरोलमेंट के समय, तो उस कंडीशन में भी आप इसको पूरा प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे कैप्चा फिल करने के बाद आपको अगला जो स्टेप दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे माय मोबाइल नंबर इज नॉट रजिस्टर्ड, यदि आपके पास में नंबर नहीं है जो आप एनरोलमेंट के समय में दिए थे, आपको इस ऑप्शन पे टिक लगा देना है। उसके बाद आपके पास अभी जो भी नया नंबर होगा वो आपको यहाँ पे एंटर करके सेंड OTP पे क्लिक कर देना है। यदि आपके पास में आधार नंबर में जो आप मोबाइल नंबर दिए थे
वो भी आपके पास में होगा तो इस बॉक्स पे टिक नहीं लगाना है, डायरेक्टली आपको सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे सेंड ओटीपी पे क्लिक कीजिएगा, फिर उसके बाद अगला जो ऑप्शन आपको दिखाई देगा, यहाँ पे देखिए एक नंबर मिसिंग हो रहा है, तो यहाँ पे इस तरह से आपको यहाँ पे सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे सेंड ओटीपी पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद फिर अगला ऑप्शन यहाँ पे देखिए, एक बार हम फिर से यहाँ पे फिल कर देते हैं नंबर में किसी तरह का, आपको यहाँ पे नंबर सही सही तरीके से आपको फिल करना है आधार कार्ड का। तो यहाँ पे देखिए फिर से हम नंबर जो है अपना फिल करते हैं यहाँ पे आधार कार्ड का, और यहाँ पे ये करने के बाद आपको यहाँ पे कैप्चा दे देना है, फिर उसके बाद सेंड ओटीपी बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे सेंड ओटीपी बटन पे आप क्लिक कीजिएगा, फिर उसके बाद अगला जो ऑप्शन आपको दिखाई देगा वो आपके मोबाइल फ़ोन में जो है कोड चला जाएगा। यहाँ पे देखिए ओटीपी आ गया है। अब आपको यहाँ पे अपने मोबाइल फ़ोन में यहाँ पे जो ओटीपी है उसको यहाँ पे टाइप कर देना है। और जैसे आप यहाँ पे टाइप कीजिएगा, किसी किसी में ये बाय डिफ़ॉल्ट भी ले लेगा। टाइप करने के बाद फिर यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन ऑप्शन जो है उस पर आपको यहाँ पे टिक लगा देना है। इस ऑप्शन पे आप जैसे टिक लगाइएगा, फिर उसके बाद जो अगला ऑप्शन आपको दिखाई देगा यहाँ पे देखिए, इस तरह से आप इस पर टिक लगा दीजिएगा। बॉक्स में उसके बाद फिर यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। सबमिट बटन पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो उसके बाद जो अगला इंटरफेस आपको दिखाई देगा, यदि आपके पास में मोबाइल नंबर पहले वाला अवेलेबल था जो आप एनरोलमेंट के समय दिए थे, तो वैसे कंडीशन में आपका यहाँ पे पूरा जो है डिटेल्स दिख जाएगा। यदि आप यहाँ पे नया नंबर को एंटर कीजिएगा तो आपको इस तरह का डिटेल्स जो है वो आपको नहीं देखने को मिलेगा। अब आपको जो अगला स्टेप आपको करना है वो आपको करना है पेमेंट। यहाँ पे आपको 50 रुपये का पेमेंट करना होगा। यहाँ पे पेमेंट आप मेक पेमेंट ऑप्शन बटन जो है इस पर क्लिक कर दीजिएगा। वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम पेमेंट करने का जो है कई तरीका आपको बताने वाले हैं, जिससे आप बड़े ही आसानी से आप जो है अपने मोबाइल फ़ोन से भी इस जो सर्विस को आप ऑनलाइन कर सकते हैं। यहाँ पे क्रेडिट कार्ड दिया हुआ कार्ड ऑप्शन में पहला वाला जो है, यदि आपके पास में ATM कार्ड है या फिर क्रेडिट कार्ड है तो आप यहाँ पे ऊपर वाला ऑप्शन पे सेलेक्ट कर लीजिए। साथ ही साथ यहाँ पे जो है नेट बैंकिंग का ऑप्शन दिया हुआ सेकंड नंबर में, किसी भी बैंक का यदि आप नेट बैंकिंग यूज करते हैं तो आप सेकंड नंबर ऑप्शन का यूज कर लीजिएगा। अगर इस दोनों में से कोई ऑप्शन नहीं है या फिर आप UPI का यूज करना चाहते हैं, तो UPI ज़्यादातर हर मोबाइल फ़ोन में ज़रूर कोई ना कोई UPI ज़रूर होता है, जैसे पेटीएम हो गया, पेफोन हो गया। तो यदि आपके मोबाइल फ़ोन में नहीं है तो आप अपने दोस्त के भी मोबाइल फ़ोन से इस प्रोसेस को कंप्लीट करवा सकते हैं। अब आपको यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम डेबिट कार्ड का यूज कर रहे हैं, अगर आप डेबिट कार्ड का यूज कीजिएगा, जो भी आपका यहाँ पे नंबर होगा वो नंबर आपको यहाँ पे टाइप कर देना है अपने ATM कार्ड का। इस तरह से अपने नंबर को यहाँ पे टाइप कर दीजिएगा। उसके बाद जो अगला प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा, इस तरह से सारा प्रोसेस जो आप अपना कंप्लीट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे एक्सपायरी डेट जो भी होगा वो आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। CVV नंबर जो ATM कार्ड के पीछे में जो नंबर होगा वो आप यहाँ पे टाइप कर दीजिएगा इस तरह से। उसके बाद फिर यहाँ पे कार्ड का जो भी नाम होगा कार्ड पे आपका, वो नाम जो है आपको वो यहाँ पे टाइप कर देना है। नाम के अलावा जैसे जो भी आपका कार्ड है, जैसे रुपये है, वीज़ा है, वो आप भी यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। आप फिर अपना नाम भी यहाँ पे टाइप कर दीजिएगा तो भी आपका ये काम हो जाएगा। फिर उसके बाद प्रोसेस क्लिक कर दीजिएगा। प्रोसेस पे जैसे क्लिक कीजिएगा, अगला जो आपका इंटरफेस देखने को मिलेगा OTP का, जिसमें कि आपके दिए गए नंबर में जो है OTP जाएगा, जो आपके बैंक अकाउंट में लिंक होगा वो आपको यहाँ पे एंटर कर देना OTP। उसके बाद यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। फिर जैसे सबमिट बटन पे क्लिक कीजिएगा, आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। जैसे आप थोड़ा इंतज़ार कीजिएगा, आपका इस तरह से जो है इंटरफेस दिखाई देगा। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसे आपको जो है स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेना है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो है डाउनलोड पेमेंट, यहाँ पे डाउनलोड पेमेंट रिसिप्ट, इसलिए आपको ये संभाल के रखना है, क्योंकि यदि आपका आधार कार्ड जो है PVC का कार्ड
आपके पते दिए गए पते पर जो आपका आधार कार्ड में एंटर है उस पर विथिन 15 दिन के अंदर तक अगर नहीं आ जाता तो बीच बीच में आप जो है इस यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ है इस नंबर से आप जो है ट्रेस कर सकते हैं। तो आप ट्रेस किस तरह से कीजिएगा उसका अब अगला प्रोसेस हम आपको दिखाने वाले। ये आपका काम यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया है। फिर से आपको उसी वेबसाइट पे चले जाना है यहाँ पे। उसके बाद तो आपको क्या करना है यहाँ पे आ जाना है थ्री डॉट वाला पे। जैसे आप आइएगा यहाँ पे चले जाना है माय आधार वाला में। जैसे आप जाइएगा यहाँ पे डाउनलोड वाला ऑप्शन आपको दिख जाएगा। डाउनलोड ऑप्शन पे जैसे आप जाइएगा फिर उसके बाद फिर आपको यहाँ पे जो है यहाँ पे देखिए इस तरह से आपको आ जाना है। जिस जगह से आप यहाँ पे डाउनलोड किए थे आधार कार्ड उसी जगह पे जो है आपको एक और नया सर्विस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से हम फिर से जो है वेबसाइट पे चले गए UIDAI की वेबसाइट पे और अब आपको यहाँ पे जो है चेक आधार PVC कार्ड स्टेटस इस ऑप्शन पे आपको जो है टिक लगा देना है। जैसे आप इस ऑप्शन पे टिक लगाइएगा फिर उसके बाद जो अगला जो प्रोसेस आपको करना है वो आप किस तरह से कीजिएगा। अब आपको क्या करना है कि जो आप स्क्रीनशॉट लिए थे वहाँ पे आपको चले जाना है या फिर आप जो PDF डाउनलोड किए थे अभी PDF डाउनलोड वाला ऑप्शन में आपको चले जाना है। जैसे आप यहाँ पे डाउनलोड वाला ऑप्शन पे जाइएगा फिर उसके बाद जो है आपको इस तरह का जो है ये जो नंबर आपको देखने को मिल रहा होगा इस नंबर को आपको जो है कॉपी कर लेना है। और इस नंबर को कॉपी करने के बाद जो है आपको यहाँ पे टाइप कर देना है यहाँ पे। और इसको टाइप करने के बाद फिर अगला जो स्टेप आपको देखने को मिलेगा हम यहाँ पे देखिए चेक कर रहे हैं कि हम जो अभी जो डाउनलोड किए थे वो मेरा डाउनलोड हुआ नहीं हुआ। यहाँ पे देखिए कम्प्लीटली हो गया है। तो अब आपको यहाँ पे जो है ये जो नंबर आपको दिख रहा है इस नंबर को कॉपी कर लेना है। कॉपी अगर नहीं होगा तो आप यहाँ पे जो है पेन से टाइप कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए नंबर काफ़ी लंबा है तो आपको यहाँ पे जो है इस तरह से देख देख के आपको यहाँ पे टाइप कर लेना है। टू सेवन यहाँ पे दिया हुआ है फिर उसके बाद जो है 27 के बाद 0920। और 0920 के बाद जो है 200624। SSS 1128। ये टोटल जो है 28 डिजिट का होगा। 1928 37122। फोर टू फाइव सेवन थ्री। अब जो है आपको यहाँ पे लास्ट में चले जाना है 73। ये आप जैसे टाइप कीजिएगा फिर उसके बाद अगला जो आपका स्टेप रहेगा वो आपका रहेगा यहाँ पे आप जो भी आपका आधार नंबर होगा वो नंबर आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। उसके बाद फिर यहाँ पे जो है अगला जो ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा वो आप यहाँ पे कैप्चा फिल कर दीजिएगा। कैप्चा जैसे रहेगा उसी तरह से आपको यहाँ पे फिल कर देना है और फिर उसके बाद चेक स्टेटस ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखिए SRN नंबर जो है वो आपको नो रिकॉर्ड फाउंड हो रहा है क्योंकि अभी हम तुरंत जो है इसको हम यूज किए थे या तो इस तरीके से जो है फिर दोबारा से चेक कीजिएगा सही सही नंबर दे करके तो आपको यहाँ पे पूरा स्टेटस दिखाई दे देगा। तो इस तरह से आप बड़े ही आसानी से जब भी आप बीच बीच में
इसे चेक करना चाहे तो चेक कर सकते हैं। इस तरह से आप इस पूरा प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो अगर आप सभी दोस्तों को पसंद आया होगा तो आप अपने दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नए अपडेट के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।